धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी बात की शुरुआत इन पंक्तियों से करता हूं कि खत्म हुई गंदगी, बंद हुई दुर्घटनाएं, खत्म हुई गंदगी, बंद हुई दुर्घटनाएं, ट्रेनों की लेट लतीफी, अब बात हुई बीते जमाने की, ट्रेनों की लेट लतीफी, अब बात हुई बीते जमाने की, भारतीय रेल अब मोदी अश्वनी की जोड़ी में, भारतीय रेल अब मोदी अश्वनी की जोड़ी में बन गई है पर्याय साधन राष्ट्र विकास की। माननीय सभापति जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नए भारत की कल्पना की है, एक आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है, उसको साकार करने में भारतीय रेल अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रही है। आज भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा, देश की धड़कन के साथ साथ देश की विकास की रेखा के रूप में पहचाने जाने लगी है। आज भारतीय रेल की दशा और दिशा दोनों बदली है। नए नए कीर्तिमान भारतीय रेल ने पिछले कुछ वर्षों में स्थापित किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना के तहत गति शक्ति टर्मिनल बनाने का हो, वंदे मातरम ट्रेनों के परिचालन की योजना हो, कवच जैसी योजनाओं को लागू करने का हो, हाई स्पीड ट्रेन चलाने का मामला हो, आज भारतीय रेल समय की मांग और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से लगा हुआ है। आज चाहे विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का मामला हो, जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने का जो कठिन और चुनौती भरा काम है, वह भी भारतीय रेल बखूबी अंजाम दे रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय सभापति जी कि कोरोना के चुनौतियों के अवसर में भारतीय रेल ने अपनी जो सेवाएं देश को दी है, भारतीय रेल का एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी इस काम के लिए अभिनंदन के पात्र हैं। माननीय सभापति जी, मेरा लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, जिसकी आधारशिला भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री और मेरे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी। माननीय सभापति जी, इस जोन को भारतीय रेल का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। भारतीय रेल का केवल 3.5% रूट किलोमीटर होने के बावजूद 16% लगान अकेले बिलासपुर जोन करता है। कोल के परिवहन में बिलासपुर जोन अग्रणी स्थान पर है। छत्तीसगढ़ शासन और रेल मंत्रालय के संयुक्त उपक्रम के द्वारा कटघोरा, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, खरसिया, बलौदा बाजार, दुर्ग, बरवाडी, चिरमिनी नई रेल लाइन परियोजनाएं बनाई गई है। इन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और त्वरित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इसी प्रकार चिरमिनी और नागपुर हाल्ट के 11 किलोमीटर नई रेल परियोजना के पूरा होने से एक वैकल्पिक रेल मार्ग उपलब्ध होगा। माननीय सभापति जी, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन रेल परियोजनाओं को तेजी से लागू करने का काम किया जा रहा था, लेकिन जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है,
ये जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ को विकास की उड़ान में लेकर जाता, और मेरे मुंगेली कवर्धा खैरागढ़ के लोग आज जो आजादी के 75 साल बाद भी रेलवे लाइन से के लिए तरस रहे हैं, उनको रेलवे लाइन मिलता। आज मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार तो पूरी ताकत से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार भी आगे आए और इन परियोजनाओं को पूरा करने में भारत सरकार का सहयोग करे। छत्तीसगढ़ से संबंधित अनेक परियोजनाएं जैसे बिलासपुर में रेलवे फ्लाईओवर, बिलासपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, राजनांदगांव नागपुर तीसरी लाइन, पेंड्रा रोड अनूपपुर तीसरी लाइन, बोरी दंड अंबिकापुर डबलिंग का कार्य आदि, इन कामों में भी तेजी लाने की आवश्यकता है। बिलासपुर पेंड्रा रोड को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की आवश्यकता है, ये क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। उसलापुर करगी रोड कोटा बिल्हा स्टेशन में यात्री सुविधाओं के विस्तार की अत्यंत आवश्यकता है। बिल्हा में एक अंडर ब्रिज, एक फुट ओवर ब्रिज निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है, बड़ा सेंटर है हमारे जिले का। नर्मदा एक्सप्रेस और बिलासपुर रीवा पैसेंजर ट्रेनों का पूर्ववत घुटकू कलमीटार करगी रोड कोटा सलका रोड बेलगाना टेंगनमारा खोमसरा भनवारटंग खोडरी सारबहरा में फिर से ठहराव देने की आवश्यकता है। उस क्षेत्र के लोगों का जीवन का ये आधार है, आवागमन का एकमात्र साधन है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि क्षेत्र के लोगों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करें। बिल्हा में भी पूर्ववत सभी ट्रेनों का ठहराव प्रारंभ किया जाए। बिलासपुर में एक कोच फैक्ट्री की स्थापना, मैं लगातार इसकी मांग कर रहा हूं, क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार का अवसर ये उपलब्ध कराएगा। अंडर ब्रिजों के में कई खामियां है, बहुत सारे अंडर ब्रिज इस 7 वर्षों में बने हैं, लेकिन वहां पर पानी का भराव हो जाता है, अंधेरा है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। अन्य मांगे में लंबी फेहरिस्त है, माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर दूंगा। और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।